बर्बाद कर सकते हैं और हमारे देश में अब तक 7 प्रवासन हुए हैं, 7 प्लेन मिशन हुए और 7 प्लेन मिशन में समय समय पर सरकारी मुलाजिमों के हक के लिए निर्णय किए और हिंदुस्तान की सभी सरकारों ने एक जो बात आती है उसका पालन किया है, लागू किया है। सरकारी मुलाजिमों को उनके हक के पैसे दिए गए और विभिन्न महिलाएं बड़ी। चौथा प्रवासन यानी दावादन के जमाने में हुआ था, आज सातवां प्रवासन आ रहा है, लेकिन मेरे त्रिपुरा के पुलिस, मेरे त्रिपुरा के होमगार्ड, मेरे त्रिपुरा के मुलाजिम लाखों करोड़ों पूरा शर्मिंदगी होनी चाहिए कांग्रेस को। आप जो आपके हाथ में है, जो त्रिपुरा के लिए मेहनत करने वाले मुलाजिम है, उनका शोषण करने में शर्म नहीं आ रही आपको? आप मेरे भाई हो, ये सरकार में काम करने वाले हमारे मुलाजिम है, उनको उनके हक का पैसा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? उनको सातवां प्रवासन मिलना चाहिए कि मिलना चाहिए? क्या चौथे प्रवासन को जीने के लिए मजबूर किया वो उनके सामने है कि नहीं है? और उनको न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हमारी बुलाने वाले को विश्वास है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद त्रिपुरा के सभी सरकारी मुलाजिमों को सेवित हुए कमीशन लागू कर दिया है। हमारी टीम ने कोशिश किया और इसीलिए अभी हमने 4 महीने पहले मेरा बिहार में अपनी एक करेंगे, अगर हमारी सेवन में ईमानदारी होती आपका फिर अभियान इससे पहले लागू कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। हम तो यहाँ सबसे बड़ी कठिनाई है ये कम्युनिस्ट पार्टी का आदमी सातवें आसमान पर पहुंचा है, वो किसी की सुन नहीं होता, उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कोई सवाल मोड़ लेगा। लेकिन भाई हो, ये चुनाव कौन विधान बने कौन न बने इसके लिए नहीं, किसी सरकार बने किसी न बने इसके लिए चुनाव नहीं है, ये चुनाव आने वाले 5 साल में त्रिपुरा का भाग्य बदलने वाले इसके लिए चुनाव। आपके 25 साल बर्बाद हो चुके हैं, त्रिपुरा बना 2022 में 5 साल हो गए, आप गोली जुर्मी बनाएंगे 2022 में हिंदुस्तान की आजादी के 75 साल हो गए, बाद हिंदुस्तान की आजादी के 75 साल मना होगा और त्रिपुरा 2022 में त्रिपुरा निर्माण के 50 साल मनाता होगा। भारतीय जनता पार्टी का अवसर दीजिए, ये गोली जुर्मी आपके सपनों को पूरा करने वाली गोली जुर्मी उनको गैस का चूल्हा पहुंचाना मुफ्त में पहुंचाना ये पिया उठाया है और यहाँ लाखों की तादाद में लोगों को गैस से चूल्हे पहुंचा है। आज भी अनेक जगह ऐसे है जैसे बिजली है 18 साल त्रिपुरा के जगह 20 साल से बात है 26 साल ऐसे भी गए कि जहां पर बिजली का खंभा नहीं था 18वीं शताब्दी में लोग अंधेरे में जिंदगी गुजारते थे, त्रिपुरा में अब तक 26 साल ऐसे थे जहां बिजली का खंभा नहीं लगा था। हमने दिल्ली से बिना उपाय खड़ा किया, मैं एक एक गांव को बिजली पहुंचाऊंगा और आज मुझे संतोष है कि मैंने 26 गांव में बिजली पहुंचाई, गांव में बिजली पहुंची अब मुझे घरों में पहुंचाऊंगा।
उससे गवर्नमेंट बिजली का कनेक्शन दिया जाएगा और इस देश में 4 करोड़ रहने वालों को सौभाग्य योजना के तहत हम बिजली का कनेक्शन दे रहे हैं। त्रिपुरा के हर घर में बिजली का कनेक्शन उसका अपना घर होना चाहिए, उसकी अपनी छत होनी चाहिए, ये घर बनाने का हमने किया। इनको हमने मकान बनाने के पैसे दिए, इसका लिए वो उपयोग नहीं कर पाए, गरीबों के घर नहीं बना पाए, पैसे पड़े रहे। खाली बना हम गरीबों को घर, गरीबों के घरों में बिजली, हम विकास से खाली आ सकता है जो सामान्य मामले की होती है उसको पूरा करने के लिए संकल्प। हम हमें जो योजना आई भारत सरकार आयुष्मान भारत, हम लोग उसका आयुष्मान भारत को हमने कहे मोदी से कहे, हमें एक ऐसी छोटी व्यवस्था बनाने का निर्णय किया है कि गरीब से गरीब परिवार अगर उसके घर में कुछ बीमारी आ गई तो एक्सीडेंट हो गया, हाथ में हो गया, कहीं से हो गया, पीने का पानी हो गया और बहुत बड़ा खाली खर्चा हो गया, ये गरीब आदमी कहां से होगा। भारत सरकार ने आयुष्मान योजना के तहत ये निर्णय लिया कि 3700 रुपये के नाते 370 रुपये का भारत सरकार देगी और गरीब परिवार में कोई गंभीर बीमारी आ रही है और साल भर में इस परिवार को 5 लाख रुपये तक का अगर बीमारी का खर्चा हुआ तो 5 लाख रुपये तक का खर्चा भारत सरकार स्वास्थ्य करने के माध्यम से तो हो ही नहीं, उसको 5 लाख रुपये तक न शहर और गांव में भेदभाव, न पढ़े लिखे और अनपढ़ के भेदभाव, न बड़े और युवा के भेदभाव, न स्त्री और पुरुष के भेदभाव, न जाति जनजाति के भेदभाव, न संप्रदाय के भेदभाव, सारा त्रिपुरा है, सभी त्रिपुरा वासी है और सबका साथ सबका विकास यही मुल्क में लेके चलना। त्रिपुरा की जनता लग रही है और सरकार के खिलाफ लग रही है, सरकार के खिलाफ लग रही है। भाई बहनों, एक तरफ सरकार है, दूसरे तरफ जनता जनार्दन है और जनता जनार्दन ईश्वर का रूप होता है। अच्छी अच्छी सरकारें जनता जनार्दन के खिलाफ बनाता है, जनता का न्याय बनाता है, अच्छी से अच्छी सरकार भी मस्त हो जाती है और बुरे भी शुरुआत है। 3 मार्च इस समय पूरा त्रिपुरा ही नहीं पूरा हिंदुस्तान आनंद उत्सव में पूर्ति होगा, क्योंकि देश में आखिरी जन्म आपसे लोग पानी मतदान करें सुबह से करें उनको मौका मत देना, मोबाइल फोन पर कुछ भी करना होता है फिर बता बनेंगे पालेंगे और भावी मतदान का निर्णय बना पहले मतदान भी चलता पहले मतदान करेंगे बाद
বলিয়ে